तो फ्रेंड्स, तीसरा वनडे तो इंडिया ने बड़ा धमाकेदार जीता बांग्लादेश से, और वो हो पाया ईशान किशन की जबरदस्त डबल सेंचुरी की वजह से। और इस डबल सेंचुरी ने टेंशन दे दी होगी शिखर धवन को। पहले शुभम गिल तो लाइन में लगा ही हुआ था और अब ईशान किशन भी लग गया है। और जो कारनामा इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं कर पाई पहले दो मैचेस में, वो केएल राहुल की कप्तानी में किया और आखिरी मैच जीत के दिखाया। पर हालांकि इंडिया 2-1 से सीरीज हारी और काफी क्रिटिसाइज हो रहा है कि इंडिया बांग्लादेश से हार गई, पर हम देखें कि ये कोई इतना बड़ा अपसेट भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का अपने देश में अपने होम ग्राउंड पे काफी अच्छा रिकॉर्ड है इन ओडीआई सीरीज। 2016 से ये कोई ओडीआई सीरीज नहीं हारी है अपने होम ग्राउंड पे। और इंडिया से भी जो आखिरी होम सीरीज भी हुई थी ओडीआई की भी, तब भी इंडिया की टीम हारी थी। तो ऐसा नहीं है कि यही इंडियन टीम बांग्लादेश से हारी है, पहले भी हारी थी 2016-17 में। और अब इस ओडीआई सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, दो मैचों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होनी है। और जो पहला टेस्ट मैच है ये वेडनेसडे से शुरू होगा। इस टेस्ट सीरीज में पहले रोहित शर्मा कप्तान थे, पर अब केएल राहुल कैप्टनसी करेंगे इंडिया की तरफ से। और पहले रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी को भी स्क्वाड में लिया गया था, पर वो अभी भी इंजर्ड ही है दोनों। तो इन तीनों की रिप्लेसमेंट्स भी डिक्लेयर हो गई है। वो रिप्लेसमेंट्स है अभिमन्यु ईश्वरन जो कि ओपनर है, साथ में सौरव कुमार ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और जयदेव उनादकत लेफ्ट आर्म पेसर। तो ये तीन इनकी रिप्लेसमेंट्स है। और मैं आपको अपनी सीरीज प्रिडिक्शन भी दूंगा और पहले टेस्ट मैच में क्या होगा उसकी भी प्रिडिक्शन दूंगा। पर पहले तो दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग इलेवन हो सकती है उस पर गौर कर लेती है। इंडिया की प्लेइंग इलेवन पे पहले गौर करते हैं तो इंडिया के लिए शुभम गिल और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। तो केएल राहुल टेस्ट मैच में रेगुलर ओपनर है इंडिया के, वनडे में ये मिडिल ऑर्डर में करते हैं। सो आई थिंक केएल राहुल ओपनिंग करेंगे और राहुल ही कप्तान भी होगा। देन नंबर 3 पे पुजारा, देन विराट कोहली, देन ऋषभ पंत एज विकेट कीपर बैट्समैन, और नंबर 6 पे श्रेयस अय्यर। तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर हमने जैसे पहले के टेस्ट मैचेस में देखा है कि ये श्रेयस को नंबर 6 पे इन्होंने भेजा था और ऋषभ पंत को नंबर 5 पे। तो हो सकता है इस बार भी ऐसे ही करें क्योंकि लेफ्ट हैंडर है ऋषभ पंत। तो 5 पे पंत, 6 पे अय्यर, और फिर रविचंद्र अश्विन और अक्षर पटेल, ये दो स्पिनर्स हो गए, और उमेश यादव एंड मोहम्मद सिराज दो पेसर्स हो गए, और एक पोजीशन बच जाएगी। तो उसमें डिपेंड करता है कि इंडिया 3 पेसर्स के साथ जाती है या 3 स्पिनर्स के साथ। अगर 3 पेसर्स के साथ जाती है तो श्रद्धल ठाकुर रहेंगे, अदरवाइज कुलदीप यादव। तो ये दोनों क्योंकि बॉलिंग ऑलराउंडर्स है तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है ये अक्षर पटेल के बाद होगा। सो ये इंडिया की प्लेइंग इलेवन रहेगी। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, शुभम गिल, केएल राहुल, पुजारा, कोहली, पंत, अय्यर, अश्विन, अक्षर, देन श्रद्धल ठाकुर या कुलदीप में से एक, फिर उमेश यादव एंड मोहम्मद सिराज। फिर बांग्लादेश के केस में जो इनकी पहले टेस्ट मैच में प्लेइंग इलेवन रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी, नजबुल हुसैन जॉय और महमूदुल हसन ये दोनों ओपनिंग करेंगे, देन मोमिनुल हक, देन शाकिब अल हसन, मुश्तफिकुर रहीम इनके विकेट कीपर बैट्समैन, लिटन दास, लिटन दास कप्तान रहेगी, देन इनके एक और बैट्समैन यासिर अली, और जो स्पेशलिस्ट बॉलर रहेंगे वो रहेंगे तैजुल इस्लाम, इबादत हुसैन, तस्कीन अहमद और मेहंदी हसन, जिन्होंने कि वनडे सीरीज में काफी परेशान किया था इंडियन टीम को। हाँ, मेहंदी हसन का बैटिंग ऑर्डर ऊपर रहेगा। सो ये बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन रहेगी। और अब इस सीरीज में होगा क्या और पहले टेस्ट मैच में क्या होगा, अब हम देखें कि बांग्लादेश का टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, चाहे वो अपनी कंट्री में ही खेल रहे हो, पर टेस्ट मैच में इनकी टीम हल्की है। और इंडिया के सामने भी आपको जान के आश्चर्य होगा, बांग्लादेश आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती है इंडिया से, अपने होम ग्राउंड पे भी नहीं जीती है। तो ज्यादातर मैचेस ये हारे हैं और 2 मैचेस ये ड्रॉ कराने में सफल रहे हैं, और इसके अलावा अपने होम ग्राउंड पर भी टेस्ट मैचेस में इतने स्ट्रांग नहीं है। सो इसलिए मुझे लगता है कि बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में उतनी अच्छी टक्कर नहीं दे पाएगी, और मेरे अकॉर्डिंग तो इंडिया ही ये सीरीज जीतेगी। दैट इज माई फर्स्ट प्रिडिक्शन कि इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रहेगी। अब सवाल है क्या बांग्लादेश कोई मैच ड्रॉ करा पाएगी कि नहीं। सो मेरे ख्याल से नहीं करा पाएगी, इंडिया क्लीन स्वीप करेगी।
पहला टेस्ट मैच भी इंडिया जीतेगी, दूसरा टेस्ट मैच भी इंडिया जीतेगी। सो इंडिया 2-0 से ये सीरीज जीतने में सफल रहेगी। साथ ही मैं एक और प्रेडिक्शन करना चाहूंगा विराट कोहली के बारे में। इस सीरीज में विराट कोहली की जो टेस्ट मैचेस में सेंचुरी का सूखा है उसे भी वो दूर करेंगे और वो एक सेंचुरी भी लगाएंगे इस टेस्ट सीरीज में। दैट इज ऑल्सो माई प्रेडिक्शन। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसा रहता है इस सीरीज में। और जो टेस्ट मैचेस है वो भी सुबह 11:30 बजे स्टार्ट होंगे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। सो इन मैचेस के दौरान आपसे बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स।